दोस्तों यहाँ पर फैंटास्टिक सी बिरयानी बनाने के लिए मैंने ली है, एक तरफ देखिए देखिए थोड़ी बड़े साइज की है। इसके अंदर मैं शामिल करूंगा सबसे पहले आधा किलो आलू, और ये आलू मैंने दरमियान से आधा काट कर लिए, और साथ ही इसमें जाएगा आधा लीटर पानी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पर ये मैंने आधा किलो टमाटर लिए हैं जिनको इस तरह से मैंने काट लिया है, ये इसके अंदर जाएंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कड़ी पत्ता मेरे पास कुछ, आप बस ताजा हो तो वो डाल दें, ये तकरीबन जाएगा एक टी स्पून। यहाँ पर मैं इसका शामिल कर रहा हूँ अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून, लहसुन का भी पेस्ट 2 टेबल स्पून, पेस्ट या क्रश आप जैसे भी इस्तेमाल करना चाहें, और 2 टेबल स्पून ही मैं इसके अंदर शामिल करूंगा ग्रीन चिली के, ये भी पेस्ट मैंने बनाया है क्रशिंग हुई है, थोड़ा सा ज्यादा कर लेते हैं। और अब इसके अंदर जाएगा नमक, और ये मैं इसमें शामिल करूंगा 2 टेबल स्पून, मगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें शामिल कर सकते हैं। चिली फ्लेक्स, दड़ा मिर्च 2 टेबल स्पून इसके अंदर जाएगी। हल्दी इसके अंदर शामिल करेंगे तकरीबन आधा टी स्पून, तकरीबन 100 ग्राम मैं इसके अंदर शामिल करूंगा आलू बुखारा 2 टेबल स्पून, इसके अंदर मैं डालने लगा हूँ जीरा, सफेद जीरा। और दोस्तों यहाँ पर मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून बिरयानी मसाला शामिल कर रहा हूँ। ये बिरयानी मसाले की अगर आप रेसिपी देखनी हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और साथ में ऊपर आई के बटन में दे दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। और अब यहाँ पर मैं इसके अंदर शामिल करूंगा 200 ग्राम दही के, और दोस्तों यहाँ पर मैं इसके अंदर तकरीबन 200 या 220 ml ऑयल शामिल करूंगा। तो आप इसके नीचे आग जला लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आग हमने तेज जलानी शुरू में, और फिर इसको हिला लेंगे। तो दोस्तों अगर आप वीडियो को अभी तक देख रहे हैं, आपको वीडियो पसंद आ रही है, अगर आपको पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। और साथ ही साथ मुझे ये बता दीजिए आप कहां से वीडियो को देख रहे हैं। पहले वीडियो में आपने बताया था कि आप कहां से वीडियो देख रहे हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और आप सबका शुक्रिया। और आप सुबह देंगे ढकना। तो दोस्तों जब इसमें से स्टीम निकलने शुरू हो जाए, नजर लगे कि इसमें से भाप निकल रही बाहर आ रही है, तो हम इसकी आपको कर देंगे स्लो, और फिर इसको 10 मिनट तक पकाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ये इसको पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं, तो आप इसका मैं ढकना उठा देता हूँ। ये देखिए जबरदस्त माशाल्लाह। तो दोस्तों आप यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 किलो चिकन ले लिया, और ये मैंने लेग्स एंड थाई लिए, सिर्फ आप चाहे तो पूरी मुर्गी ले सकते हैं, तो ये मैं इसके अंदर शामिल करूंगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, तो दोस्तों आप इसको हम इसमें मिक्स कर लेंगे, और आग इसके नीचे मैं करूंगा तेज। दोस्तों आप इसको रख देंगे हम ढकना, और इसको पकाएंगे तकरीबन 10 मिनट। आज हम इसकी मीडियम टू लो रखेंगे, और जब तक ये हमारे यहाँ पर मुर्गी बन रही है, हम दूसरे चूल्हे के ऊपर अपने चावल पा लेते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर ये देखिए मैंने रख लिया चूल्हे के ऊपर, और इसके अंदर मैं शामिल करूंगा 3 लीटर पानी, क्योंकि हम 1.5 किलो या 7.5 कप जो है वो चावल पकाने लगे। दोस्तों 3 टीस्पून इसके अंदर मैं नमक शामिल करूंगा चावलों के हिसाब से, आप लोग मेरे हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर ये मैंने ले लिए हैं 1-2 तेजपात, ये इसमें चले जाएंगे, और ये 1-2 दालचीनी के टुकड़े हैं, ये इसमें चले जाएंगे, चंद हरी इलायचियां। दोस्तों तकरीबन आधा टीस्पून इसके अंदर काली मिर्च चली जाएगी, 4 लौंग चले जाएंगे, 1-2 बरियान के फूल चले जाएंगे, और 3 बड़ी इलायची है, ये इसमें चले जाएंगी। इसके लिए मैं आग रोशन कर देता हूं, और हम इंतजार करेंगे कि ये हमारा पानी उबल जाए। तो दोस्तों ये देखिए ये पानी हमारा उबाल पर आ गया है, और यहाँ पर ये देखें ये मैंने लिए हैं चावल, ये सेला चावल है जो कि मैंने 1.5 किलो लिए थे, और इनको तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। अब इसका पानी मैंने निकाल दिया, और ये इसके अंदर जाएंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप चाहें तो आप बासमती चावल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने फिर मजीद 1 पाव टमाटर ले लिए हैं, यानी 250 ग्राम, और उसके साथ काट लिया, ये चले जाएंगे इस बॉल में हमारे। और साथ ही यहाँ पर ये देखिए मैंने पुदीना कुतर लिया है अच्छी मिकदार में, ये पुदीना चला जाएगा, और ये तकरीबन 8-10 मिर्चें हैं हरी मिर्चें, ये इसमें चली जाएंगी, और साथ में अच्छी मिकदार में धनिया भी, ये भी चला जाएगा इसके अंदर, और तकरीबन कोई 4-5 लीमू आप बारीक काट कर तो वो भी इसमें शामिल कर दें। देखिए सर के स्लाइसेस बना लेंगे। तो दोस्तों इसके अंदर हम वही बिरयानी मसाला इसके अंदर भी शामिल करेंगे जो तकरीबन आधा टेबल स्पून होगा, और इसकी रेसिपी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी होगी, देख लीजिएगा वहां से। और चाट मसाले इसमें शामिल करेंगे हम 1 टीस्पून, और अब हम इसको कर लेंगे अच्छी तरीके से मिक्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर ये 10 मिनट पूरे हो चुके हैं, तो मैं इसका ढक्कन उठा लेता हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह ये हमारा यहाँ पर कोरमा बना हुआ है। इसके अंदर ऐसा करेंगे कि हम इनको साइडों पर कर देंगे, बोटियों वगैरह को दरमियान में थोड़ा गैप रख लेते हैं। ये देखिए ऐसे, और अब यहाँ पर जो हमने मिक्सर बना लिया था उसको यहाँ साइडों पर डाल देंगे, इसको साइडों पर डालना है, दरमियान में डालना। तो दोस्तों ये वही बोल है, और इसके अंदर मैं यहाँ पर 200 ग्राम यहाँ पर भी दही, पहले मैंने 200 ग्राम दही शामिल किया था, अभी 200 ग्राम दही मजीद शामिल कर रहा हूँ। ये चला जाएगा फूड कलर डालेंगे, आधा जाएगा चम्मच इसके अंदर रेड फूड कलर डालेंगे, और आधा जाएगा चम्मच इसके अंदर येलो फूड कलर डालूंगा। 1 टीस्पून इसके अंदर चलेगा हमारा चाट मसाला, और 1 टीस्पून इसके अंदर चलेगा हमारा बिरयानी मसाला। तो दोस्तों दोस्तों कर लेंगे मिक्स, और ये मिक्स होने के बाद ये जो हमारा मसाला है ये भी साइडों पर ही जिस तरह से वो किया था ये साइडों पर चला जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने 3-4 प्याज जो है वो इस तरह से ब्राउन कर लिए थे, उसे काट लिए थे, ये प्याज यहाँ से ऊपर जाएंगे। ये स्टेप्स मैंने इसलिए करके दिखाया कि ये प्याज करके ताकि वीडियो बनाओ अच्छी खासी मिकदार में, हम ये प्याज यहाँ पर इसे डाल देंगे। तो दोस्तों जो चावल हमारे 70% हमने यहाँ पर गला लिए हैं, 70-75% वो अब यहाँ से उठेंगे, ये अब जाएंगे देखिए मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों अगर आप वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो यकीन आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, अगर आपको पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, और साथ ही साथ मुझे ये भी बताइए कि आप कहां से वीडियो को देख रहे हैं। याद रखिए कि जब भी बिरयानी या चावल की डिश बना रहे हो तो खुले बर्तन बनाएं, ताकि चावलों को फूलने का खिलने का मौका मिले। तो ये तो अब इस मौके पर मैं ऐसा करूंगा कि तकरीबन 100 ग्राम इसके बाद हम ढकेंगे ढकना, और आग करेंगे थोड़ा तेज, इतनी देर कि एक दफा इसके अंदर स्टीम बन जाए। तो दोस्तों ये देखिए अब इसके अंदर से भाप बननी शुरू हो गई है, तो अब इस मौके पर मैं ऐसा करूंगा कि तकरीबन 100 ग्राम ऑयल लूंगा, और उसको इसके ऊपर ऐसे करके तो शामिल कर दूंगा, ये इसलिए कि हम अपने चावलों को चिपकने से बचा सकें, और जो हमारा थोड़ा चावलों का पानी है उसी पानी को हम इसके ऊपर थोड़ा सा वो भी डाल देंगे तकरीबन आधे कप के बराबर। तो दोस्तों अब इसके ऊपर लगाऊंगा मैं एक कपड़ा, ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसके ऊपर जाएगा ढकना, और आग हमारी हो जाएगी वो मीडियम लो, और हम इसको एक अच्छा दम लगाएंगे तकरीबन 20-25 मिनट का। तो दोस्तों मिलते हैं दम के बाद।
तो दोस्तों अब हो गया टाइम इसको खोलने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही शानदार सी खुशबू फैली हुई है। बच्चे बड़े खुश हो रहे हैं कि बिरयानी पक रही है। तो अब इस ढकने को डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए शाबाश भाई, वाह माशाल्लाह जबरदस्त। चूल्हा नीचे बंद। तो दोस्तों अब इसको खोल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए सुभान अल्लाह, वाह जी वाह। ये देखिए वाह, लुक एट दिस, सुभान अल्लाह। ये देखिए बोटी शानदार सी, और देखें चावल का दाना बहुत ही जबरदस्त। ये देखें दाना दाना और बड़ा दाना, फैबुलस माशाल्लाह। जबरदस्त। ये देखें बोटी को देख लेते हैं, बहुत ही फैबुलस गल गई है, गर्म सख्त शरीद। ये देखिए बहुत ही आराम से टूट रही है, बहुत ही शानदार। तो अब टाइम आ गया है इसको खाने का, तो हम खाते हैं इसको। साथ ही साथ आप धीरे में वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों वक्त आ गया खाने का, और ये होता है सबसे फेवरेट वक्त। ये देखिए आलू माशाल्लाह, और इसकी गलावट देखें सुभान अल्लाह। ये देखिए जबरदस्त गलावा, बूटी देख लें। ये देखें माशाल्लाह।